हाय दोस्तों, आज मैं हूँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सामने यूटी मार्केट में। और मैं जाऊँगा आज चांप खाने। चांप काफ़ी मशहूर है अमृतसर में और काफ़ी टेस्टी होती है, स्वादिष्ट होती है। तो आज चांप खाई जाएगी। मीटर सेट करते हैं। मुझे जाना है लॉरेंस रोड, वहाँ पर मिलती है चांप। मदन मोहन मालवीय रोड, लॉरेंस रोड एक साथ ही है, तो वहाँ पर जाके चांप खाएंगे। तो करते हैं मीटर सेट। रीसेट पे कर रहा, दबा दिया, ये आ गए जीरो। अब लगाते हैं इसे यहां पर। क्लियरिटी है? हाँ जी है, थोड़ा सा और। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हम चलते हैं चांप खाने, लॉरेंस रोड। और यहां से होगी कोई 4 या 5 किलोमीटर दूर, पर अंदाजा लेके चलते हैं। यूटी मार्केट से मैंने टर्न ले लिया और हम चलते हैं लॉरेंस रोड की तरफ। यस, ये यूटी मार्केट है पूरी की पूरी अमृतसर की। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स यहीं पे खाने पीने आते हैं, क्योंकि ये ही है एक सबसे नजदीक जगह खाने पीने की। सीट बेल्ट मैंने लगा रखी है हमेशा की तरह, क्योंकि मैं सीट बेल्ट के बिना गाड़ी नहीं चलाता। सेफ्टी पहले, पुलिस सामने है। और ये तो इस साइड मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बंद कर दिया उन्होंने रास्ता। अब हम सीधा जा रहा हूं और वहां से मैं यू टर्न ले लूंगा और पहुंच जाएंगे हम लॉरेंस रोड, ये कोई 5-6 किलोमीटर के बाद ही। और बीच में आप देखेंगे यहाँ का क्राउड और यहाँ की सड़कें। यहाँ से मुड़ने का समय आ गया है और ये है सामने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। आप देख सकते हैं सामने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी एकदम सामने है। यू कैन सी, काफी मशहूर है और यहाँ पे नेशनल लेवल के जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं काफी होते हैं यहाँ पर, तो वो भी देखते हैं। पीएसपीसीएल की गाड़ी जा रही है। ओह गॉड, यहाँ कुछ वाह, ड्राइवर अच्छा था, समझदार था, उसने इशारा किया कि कोई बात नहीं। वाह चलो, अमृतसर में कोई तमीजदार बंदा तो मिला वरना यहाँ पे सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। पुलिस सामने खड़ी हुई और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से हमने सीधा ले लिया और निकल पड़े। यहाँ पर एक दुकान आएगी जिसका नाम है लेफ्ट साइड में, ये है अमृत पेस्ट्री शॉप। काफी मशहूर है, एचडीएफसी बैंक भी है, लेकिन ये जो अमृत पेस्ट्री शॉप है ये बहुत ही डबल ट्रिपल दामों में चीजों को बेचते हैं। अगर आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपको 200-300 का घाटा हो जाएगा इतने में ही। सामने रेलवे स्टेशन, राइट साइड पे कोर्ट खालसा, लेफ्ट साइड पे खालसा स्कूल, तो बिल्कुल सीधा जाते हुए। तो अमृत बेकरी से जब भी आप सामान लें A1 सामान मिलता है, बहुत अच्छा, लेकिन हेरा फेरी करते हैं वो कैलकुलेशन में, तो ईमानदारी की कमी है उनमें बहुत ज्यादा। बहुत लूटा है मुझे भी कई बार, जब मैं बिना कैलकुलेट किए सामान देता था, तो बीच में इन्होंने एक वो गवर्नमेंट की बसेस चलाने के लिए ये जगह बना रखी है। यहाँ पे बसेस बहुत कम चलती हैं, लेकिन ये ऑटो वालों को अगर ये जगह दे दी जाए तो काफी कुछ अच्छा सुधार हो सकता है, लेकिन देंगे नहीं। खालसा कॉलेज है इधर लेफ्ट साइड पे। एक मिनट, गाड़ी को थोड़ा सा साइड पे लगाते हैं, आपको दिखाते हैं खालसा कॉलेज अमृतसर का। देखिए कितना खूबसूरत है ये खालसा कॉलेज। दिस इज खालसा कॉलेज। ये महाराजा रंजीत सिंह जी का महल हुआ करता था। यू कैन सी, खूबसूरत है ना, दिस इज खालसा कॉलेज। और ये मैं दोबारा लगा देता हूँ गाड़ी, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत मशहूर कॉलेज है ये यहाँ का अमृतसर का।
क्लियरिटी में थोड़ा फर्क हुआ। हाँ सही है, आगे चलते हैं। खालसा कॉलेज अमृतसर, बोर्ड लगा हुआ है इधर। आगे खालसा कॉलेज वुमेन्स, तो आप इस तरफ थोड़ा देख लें, ध्यान दे दें।